उन्नीस बीस मेरे पास बस इतना ही है। क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पास? हाय तुम पर जो अब धनी हो, तुमने आराम का जीवन बिता लिया। जो धनी ना बनना चाहे वो कोई पागल ही होगा। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, तुम रोगे और विलाप करोगे। अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए यही किया। पर मैं तुम लोगों से कहता हूं, शत्रुओं से प्रेम रखो, घृणा करने वालों का भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीष दो, बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। कोई तुम्हारा अंगरखा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो। किसी भी मांगने वालों को मना मत करो। यदि कोई तुम्हारी वस्तु ले ले तो उसे वापस मत मांगो। तुम वही करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो। यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीष क्यों कर मिलेगी? पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। और यदि स्वयं पर भलाई करने वालों की भलाई करते हो तो तुम क्यों कर आशीष पाओगे? पापी भी ऐसा ही करते हैं। वे इसे कैसे छू सकते हैं? वो उससे कैसे बात कर सकता है? बेशर्म, नहीं, शत्रुओं से प्रेम रखो, उनका भला करो, उधार देकर वापसी की आशा न रखो, तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान ठहरोगे। वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी कृपालु है। दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है। यीशु हमें बचाइए। आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगेगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। प्रभु हमें अपने मार्ग पे चलाएं। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ऐसा करने पर दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखते हो जबकि अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देख पाते? प्रभु हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है।